चिकन कुंदा मैं जिंदगी में पहली बार कलेजी का रायता टेस्ट कर रहा हूँ। ये तो होता ही है, क्रैब खाने के समय शर्ट बदलना ही पड़ता है। आज मन कर रहा है इडली खाने का, लेकिन इडली ढूंढते ढूंढते मैं मदुरई या चेन्नई या विशाखापट्टनम या उड़पी नहीं गया, मैं इडली ढूंढते ढूंढते आया हूँ पुणे, पुणे महाराष्ट्र में, क्योंकि यहाँ एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो इडलियों में एक्सपर्ट है, इडलियों के साथ एक्सपेरिमेंट करता है और यहाँ अलग 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 किस्म की इडली मिलती है। लेकिन सिर्फ ऐसे कांचीपुरम या नॉर्मल इडली नहीं, मटन के साथ इडली, चिकन के साथ इडली, प्रॉन्स के साथ इडली। अगर आप जानना चाहते हो कि वी इडली वाले पुणे में क्या क्या इडली मिलती है, तो आओ मेरे साथ और पूछते हैं कि खाने में क्या है। So these are the two geniuses who've started We Idli Wale, is Abhishek and Chirag. Now you two are partners, you two are friends. School friends. School friends. Nothing like a business started by two friends. Whose passion was food? Obviously you're the chef. Yeah. And you are the everything else. Yeah? Operations. Operations. Yeah. So whose idea was it and what is the speciality of this place? Tell me. So this is something that I've grown up eating. My father's sister is married to a Karnataka family, okay. Kundapur family. Okay. So as a kid, idli and chicken curry was something that was a Sunday staple at my house. मैं आपका मेन्यू देख रहा था और यहाँ जो रेसिपीज हैं ना, जहाँ जो डिशेज हैं, चेन्नई चिकन, चिकन घी रोस्ट, पोड़ी प्रॉन्स, ये जो इडली हम लोग यहाँ खाने वाले हैं, क्या वो एक्सपेरिमेंटल है या ट्रेडिशनल है रेसिपीज? नहीं नहीं, दीज आर सो दैट देयर इज नथिंग एक्सपेरिमेंटल अबाउट इट, इट्स जस्ट दैट आई टेक रीजनल साउथ इंडियन क्लासिक रेसिपीज एंड आई यूज द काइंड ऑफ डिसिप्लिन एंड टेक्निक दैट आई हैव लर्नड वर्किंग इन द रेस्टोरेंट्स दैट आई हैव वर्कड इन एंड द कल्नरी बैकग्राउंड दैट आई कम फ्रॉम, बट दिस इज समथिंग दैट्स फाउंड वेरी वेरी कॉमनली डाउन साउथ इन द रेस्टोरेंट्स और हाउसहोल्ड्स और द स्ट्रीट्स ऑफ ऑन द स्ट्रीट स्ट्रीट फूड एस्पेशियली ऑफ साउथ इंडियन, सो लाइक द कोत्तु पराठा इज अ क्लासिक तमिलियन कोत्तु पराठा इज समथिंग या या सो या इट्स What we try to do is just showcase South Indian food in the way where अभी तक नहीं showcase हुआ है वैसे। तो सब लोग जो मुझे गाली देने वाले और कहने वाले कि इडली ऐसी खाई नहीं जाती, उनको करेक्ट करना चाहिए। ऐसे ही खाई जाती है इडली। हाँ, इडली सांबर भी खा सकते हो, लेकिन ऐसे भी खाई जाती है। तो आज मैं क्या खाने वाला हूँ, क्या खिलाओगे मुझे? ये मेन्यू पे मैं कंफ्यूज हो गया पूरा मेन्यू देख। तो हम लोग जो क्लासिक मेरा इडली चिकन है उससे स्टार्ट करेंगे, विच इज़ माय अत्याज रेसिपी एंड इज द सेम रेसिपी दैट शी इज मेड ऑल हर लाइफ, इवन द इडली रेसिपी इज हर्स। वील डू अ मलबार पराठा दैट आई पेयर विथ अ फिश पॉली, लाइक अ ट्रेडिशनल फिश पॉलीचर्ड ऑफ केरला। वील डू अ मटन पेपर फ्राई ऑल्सो। Rocking, so that crab is fresh and still moving. Yeah, it was, yeah. Yeah. So it's a very traditional way of making a crab curry that my Atya does it at home. Okay. What you do is you just put the crab and a little bit of water. So you basically boiling the crab out first? I mean, yes, it's like a stock that I'm trying to do here. A little bit of this masala, this is a onion, caramelized onion and cobra, coconut paste. Coconut and onion? Okay. Yeah. So a little bit of that. And this is just a green masala, green. Basic. Alu lasun, coriander and green chili. Coriander. Yeah. And a little bit of onions.
Okay. And a bit of tomato. So no oil, tadka, vadka. A little bit of oil, but because there's a lot of oil in this, because the coconut also releases a lot of oil, we just put a very little bit of coconut oil on top of it. Okay, great. And that's it. That's it? That's it, yeah. You just cover this up. That's it? Cover it up and let the crab cook in this. And what are you serving this with? So this is served with idlis. With idlis, okay. So this is my special idli with crab coming up. And as soon as it's ready, I'm going to the table and you'll see the spread that is being laid out hamare samne. Chalo, rock and roll. पहली बार व्हेन दे से यू आर सराउंडेड बाय फूड आई एम लिटरली सराउंडेड बाय फूड और मैंने आपको कहा था कि सिर्फ इडली इडली नहीं है इडली के साथ मटन है चिकन है क्रैब है तो मैं शुरुआत करने वाला हूँ यहाँ से जो ये नॉर्मल इडली है ये इडली है और इसमें तीन चटनियाँ हैं एक ग्रीन चटनी एक पीनट चटनी और ये जो गन पाउडर होता है ना ये तो यहाँ आने से पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं कि इडली भी रियली सॉफ्ट चटनी वेरी इम्पोर्टेंट इडली होती है और इडली होती है ये लाइट है फ्लफी है इनकी चटनियाँ काफ़ी स्वादिष्ट है पीनट चटनी तो एकदम क्रीमी मुलायम है थोड़ा गन पाउडर का तीखापन लवली अगर आप वेजिटेरियन हो और सिर्फ आपको इडली खानी है फिर भी मैं कहूँगा कि यहाँ आकर इडली खाइएगा आप और ये है चिकन पेपर फ्राइड डोसा यानी ये डोसा है नीचे और इस पर चिकन पेपर फ्राई है ये भी चटनी के साथ ये डोसा भी क्रिस्प है स्मोकी है चिकन पेपर फ्राई का पेपर का स्वाद हरे चटनी का जिंग और प्योर ओरिजिनल साउथ इंडियन फ्लेवर जो आता है ना कड़ी पत्ते का पेपर का ब्यूटीफुल यहाँ वी इडली वाले ने फिश पॉलीचट्टू का एक वर्जन किया है जिसपे जो भी मलबा पराठा फ्लेकी मलबा पराठा के साथ सर्व किया जाता है
मैं पहले तो ये बेटकी है, फ्रेश बेटकी है, रिवर फिश है, ये बनाना लीफ में मसालों के साथ रैप करके स्टीम किया हुआ है, और उसके साथ ये फ्लेकी मलाबा पराठा। तो थोड़ी सी इडली हो गई, डोसा हो गया, मलाबार पराठा हो गया, अभी और इडली हो जाए। यह है इडली और मटन सारू, उसके ऊपर एक गार्निश है जिसमें कोरिएंडर है, अनियंस है, मटन इज सॉफ्ट टेंडर, और इडली के साथ मटन एक और नल्ली। आपको तो पता है मेरा और नल्ली का बहुत प्यार का रिश्ता है। रुकिए रुकिए, और मटन भी है। कुंदापुर स्टाइल चिकन, कुंदापुर चिकन काफ़ी फेमस है, और ये है कुंदापुर स्टाइल इडली के साथ ही। मैं तो उंगलियां ये करके ही खाऊंगा। लवली रेड मसाला, स्पाइसी, उसके ऊपर जो गार्निश है प्याज, कड़ी पत्ता, रेडिश, मूली का। ओह, मटन पेपर फ्राई इज लेफ्ट, और उसके बाद क्रैब खाऊंगा आराम से। मटन पेपर फ्राई, अभी ये मटन पेपर फ्राई जो है जिसे मलाबा पराठे के साथ सर्व किया है, इसकी जो ये रायता जो है, मैं रायता पहले टेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि ये रायता बना है लिवर यानी कलेजे के साथ। मैं जिंदगी में पहली बार कलेजे का रायता टेस्ट कर रहा हूँ। चलो मटन खाते हैं। लवली दिन निकला था इडली खाने, देखो क्या क्या खा गया मैं। अब क्रैब, इडली के साथ, इडली के साथ क्रैब। ये तो होता ही है, क्रैब खाने के समय शर्ट
बदलना ही पड़ता है। ब्यूटीफुल। That's the way to eat crab. Aha. आपने सोचा होगा कि यह एपिसोड सिर्फ इडली का होगा। गलती मेरी नहीं है, मेरा काम है आपको अलग अलग चीज़ें दिखाना, खिलाना। और अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ राइट टू अस, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। और आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए कि खाने में क्या है। डन, ग्रेट। दिस वॉज द मोस्ट आई ओपनिंग इडली। इडली क्लियरली राइट, नीलेश इडली है। नीलेश तो खा सकता है, सब कुछ खा सकता है, इडली है उसमें। इडली है, डोसा है। मम्मी ने पूछा तो बोलने का इडली खाकर आया होगा।